मध्य प्रदेश में गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। यहाँ के खजुराहो सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं करने और पुरानी नामावली के चलते पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने मीरा यादव का नामांकन निरस्त कर दिया। अब खजुराहो में सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी बीडी शर्मा ही अकेले रह गए। सीट समझौते के तहत कांग्रेस ने खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी थी। लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की ये बड़ी घटना है। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के समझौते के तहत खजुराहो लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के चार दिन पहले डॉक्टर मनोज यादव को मैदान में उतारा था। डॉक्टर मनोज यादव को टिकट दिए जाने के बाद विरोध शुरू हो गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट बदल दिया। इसके बाद यहां से मीरा दीपक यादव को मैदान में उतारा गया। मीरा यादव पूर्व विधायक रह चुकी हैं, जबकि उनके पति 3 बार के विधायक रहे हैं। जब नामांकन की जांच पड़ताल हुई तो हस्ताक्षर नहीं होने की वजह से मीरा दीपक यादव का पर्चा निरस्त कर दिया गया। इस मामले को लेकर सपा प्रत्याशी के पति दीप नारायण यादव ने गंभीर आरोप लगाए। नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है, तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों संबंध की है। लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें 2 कमी बताई जा रही हैं कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और एक जगह 2 जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह 1 जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमें 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई। जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको कम वो ख़राब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। तो क्या फार्म रिजेक्ट कर दिया? अभी लिखित मांगा है हमने कि भाई हमें बताएं तो कि निलंबित हुआ कि रिजेक्ट हुआ। तो बोलते अभी आपको लिखित ऑर्डर मिल रहा है। आपके अंदर क्या बात हुई? उन्होंने कहा निरस्त कर दिया हमने इन 2 वजह से। मैंने प्रार्थना की कि सर अभी सुधार का मौका है, इन टाइम है, हम 3 बजे के पहले हम आपके पास आए हैं, हमारा अगर कोई गलती है तो उसका सुधार कर सकते हैं हम। मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम जो जिम्मेदारी होना चाहिए निर्वाचन प्रक्रिया जुड़े सभी की, मैं कलेक्टर साहब की, कि अगर कोई कमी थी तो वो कल बताते तो हम उसको पूरा कर सकते। लड़ेगा कोई ना कोई तो आदमी मिलेगा ना, 15 भी और भरे हुए हैं। एक आध आदमी निरस्त करने से क्या, कोई ढूंढ लेंगे हम उसमें से, और सारे नेताओं से मिलकर बैठ के बात कर लेंगे, उसको मिलकर लड़ाएंगे सब। खजुराहो लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विष्णु दत्त शर्मा दूसरी बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। अब इस लोकसभा सीट पर ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी दल किस प्रत्याशी की मदद करता है। वर्तमान में कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी इस लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने बताया कि इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि ठग बंधन है, जिसकी परतें खोली जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने से पहले ही गठबंधन हार चुका है।